हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। मैं तकरीबन 7 साल पहले ऑस्ट्रेलिया आया था और मुझे शुरू में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। एक तो क्योंकि ये था होता है कि आप जब आते हैं तो आपको यहाँ पे आके होम सिकनेस हो जाती है, फिर कल्चर डिफरेंट होता है, फिर उसके अलावा रूल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। ट्रैफिक रूल्स आपको पता होता, कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती, आपको जॉब वगैरह फाइंड करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जब आप थोड़ा टाइम गुजार लेते हैं, कुछ मंथ मेरे गुजरे तो मैं एडजस्ट होना शुरू हुआ, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो गई, जॉब्स वगैरह मिलना शुरू हो गई, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी काफी बढ़ना शुरू हो गए, कोलीग्स अच्छे मिल गए, दोस्त वगैरह बनना शुरू हो गए, यहाँ की मार्केट्स वगैरह का पता चलना शुरू हो गया, शॉपिंग वगैरह ये वो सिनेमा काफ़ी कुछ जो है ना वो पता चल गया, एडजस्टमेंट हो गई, होम सिकनेस भी कम हो गई। तो उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा खुलना शुरू हो गई और लाइफ जो है काफ़ी बेटर हो गई। तो शुरू में जब आप आते हैं ना काफ़ी मसला मसाइल होते हैं, आपने डिसअपॉइंट नहीं होना। शुरू में जैसे मैं आया तो मुझे लगा कि वो गलत डिसीजन हो गया शायद, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं, वहाँ पे तो स्टूडेंट लाइफ दिखा है कि वहाँ पे लाइफ अच्छी है, दोस्तों के साथ आना जाना ये वो, लेकिन यहाँ पे ये तो काफ़ी वर्क भी करना है, आपको फीसिस पे करनी है, आपको यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स करनी है, आपको लर्न करना है, आपको डिफरेंट अपनी जबान में आप बात नहीं कर सकते मतलब कोलीग्स वगैरह से ये वो, काफ़ी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हुई। लेकिन उसके बाद ऐसा ऐसा सब कुछ ठीक हो गया और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ खुलना शुरू हो गई और मज़ा आने लगा यहाँ पे। तो बेसिकली शुरू में होगा थोड़ा सा मसला, फिर उसके बाद सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है ऐसा ऐसा। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बताऊँ कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दो चीज़ें अगर आपके पास है ना तो आप लाजमी ऑस्ट्रेलिया हैं। अगर आप पहली चीज़ अगर आपके पास आप हार्ड वर्किंग है तो देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे हार्ड वर्क करके आप जितना चाहे वर्क करें और कर मतलब काफ़ी वर्क कर सकते हैं और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप हार्ड वर्किंग हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ अगर आप टैलेंटेड हैं और आपके पास कुछ अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस है तो देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको, क्योंकि जब आप जॉब सर्च करने जाते हैं तो वहाँ पे अक्सर की रिक्वायरमेंट यही होती है अगर आप अपनी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं कि आपका अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर्स और 1 ईयर और मोर देन दैट। तो ये मेक श्योर करें, अगर आप टैलेंटेड हैं तो अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस जरूर लेके आएं अगर आप वहाँ से आ रहे हैं। तो देखें, दो मैंने चीज़ें कही हैं कि एक तो आप अगर हार्ड वर्किंग है और टैलेंटेड है तो ऑस्ट्रेलिया आएँ, सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़, प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको किसी अच्छे एजेंट से मिलना है और आपको गाइड कर देगा कि आपको कौन से वीज़ा पे यहाँ पे आ सकते हैं। और मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया था, मुझे तकरीबन प्रोसेस में लगा था 1 साल मुझे लगा था, और किसी को इससे कम लगता है, किसी को इससे ज़्यादा लगता है। तो जब आप प्रोसेस आप किसी अच्छे एजेंट से मिले, आपको गाइड कर देगा, आपको इंग्लिश टेस्ट करना है, इंग्लिश टेस्ट भी इतना मुश्किल नहीं है, आइल्स आसान होता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है आइल्स, मतलब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस उसमें ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन आजकल तो पीटी अवेलेबल है हर जगह, पीटी इज मच मच बेटर देन आइल्स। अगर आप देखें आसान बहुत है, उसके में कंपोनेंट ज़्यादा है, आपको मुश्किल लगेगा थोड़ा सा देख के, लेकिन एक दफ़ा आप कर लें उसको सीख लें तो उसके जो आपके पॉइंट्स हैं वो ईजिली आ जाते हैं, जो आपके रिक्वायर्ड पॉइंट्स होते हैं 6 ईच या 7 ईच जो भी आपको चाहिए। तो किसी एजेंट से मिलें, उससे डिस्कस करें, अच्छे एजेंट से देखें आप, क्योंकि यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसे एजेंट्स हैं। मैं एक पाकिस्तानी एजेंट से मिलने गया यहीं पर ऑस्ट्रेलिया में, और उसने मुझे ऐसे बेकार मशवरे दिए ना, मुझे उससे बात करके पता लग रहा था कि इसके पास नॉलेज नहीं है और वो अच्छी कंसल्टेंसी बना के बैठा हुआ। तो मेक श्योर ये करें कि किसी अच्छे एजेंट से मिले। शुरू में आपको फीस अगर देनी पड़ती है किसी को कंसल्टेशन के लिए तो वो भी देके कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना सस्ता रोए महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो एक दफ़ा फीस दे दें लेकिन अच्छी कंसल्टेशन ले लें और उसके मुताबिक अपना प्लान कर लें, इतना मुश्किल नहीं है। आप जब एक दफ़ा जाते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रोसेस तो सब इवन फाइनेंशियल इशूज़ भी इतने ज़्यादा नहीं होते, और आप डिस्कस कर सकते हैं किसी अच्छे एजेंट से, माइग्रेशन एजेंट से जाके। तो यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आएँ और यहाँ पे अपना फ्यूचर सिक्योर करें, ऐसा ऐसा सब कुछ सेटल हो जाएगा। अगर आप आ चुके हैं यहाँ पे तो डिसअपॉइंट मैं तो अगर जॉब के थोड़े से इशूज़ चल रहे हैं सब कुछ सही हो जाता है। एक जॉब छोड़ा होता हूँ ना अगर कोई, तो मुझे थोड़ा सही होता है कि पता नहीं मुझे दूसरी जगह में जैसे मूव कर रहा हूँ, जैसे मैं तस्मानिया आया ये वो, वहाँ पर जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन जब मेरे साथ अक्सर ऐसा ही हुआ है कि मैंने एक जॉब छोड़ी और नेक्स्ट वीक में मैं दूसरी जॉब कर रहा हूँ, मतलब कि आउट ऑफ नोवेयर आपको जॉब मिली हुई होती है नेक्स्ट, मतलब छोड़ने के बाद भी आपको इतना मसला नहीं होता। तो सो मेनी अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू गाइज। अच्छा, जब आप वहाँ पे अगर प्रोसेस कर रहे हैं अपना यहाँ पे आने के लिए, तो मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर,
वो है आपकी ड्राइविंग स्किल्स। आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जब आप आ रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी लेके आएँ, चाहे वो एक बेटर तो ये होता है कि आपके पास 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस हो, ताकि यहाँ पे अगर आप विक्टोरिया वगैरह में या फिर न्यू साउथ वेल्स में आ रहे हैं, सिडनी या मेलबर्न में, तो आप वहाँ पे आके ऑस्ट्रेलिया का फुल लाइसेंस अप्लाई कर सकें। क्योंकि अगर आपके पास 3 साल पुराना लाइसेंस होता है, तो न्यू साउथ वेल्स में पहले तो यही था कि आप 3 साल पुराना लाइसेंस अगर लेकर आ रहे हैं तो आप टेस्ट दे के आप फुल लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया का ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फुल लाइसेंस नहीं, अगर 3 साल पुराना लाइसेंस नहीं भी है, तब भी आप लाइसेंस बनवा के वहाँ से लाजमी आए, क्योंकि आप यहाँ पे ड्राइविंग कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है। और तस्मानिया में तो सबसे फ़ायदा ये भी है कि आप के पास लाइसेंस है, डजंट मैटर वो 1 महीने का है या 2 महीने का या 1 साल का या उससे ज़्यादा का है, आप टेस्ट दे के फुल लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो ड्राइविंग आप कर सकते हैं इंटरनेशनल लाइसेंस पे, आप ले आएँ, आप ड्राइविंग स्टार्ट करें। यहाँ पे आपको फूड डिलीवरी की जॉब मिल जाती हैं शुरू में, क्योंकि मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो ये जॉब ये कि आपको कोई बॉस नहीं होता आपके ऊपर, ये वो आपने खुद करना है, सिर्फ डिलीवरी करनी है आपने। तो आप ड्राइविंग स्किल्स को पक्का करके आएँ, लाजमी आपको लाजमी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस एंड स्किल्स। आपकी तकरीबन हर जॉब पे आप ये लिखा होता है कि आप के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। आपकी गाड़ी है, यहाँ पर गाड़ी यहाँ पे लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। पहले महीने या दूसरे महीने में जैसे आपकी जॉब लग जाती है, तो आप ड्राइविंग गाड़ी आराम से ले लेते हैं। मे बी $1,000 के अराउंड आपको चीप गाड़ी मिल जाती है, जो नॉर्मल होती है, मतलब ड्राइविंग वगैरह के हवाले से गुजारा कर जाती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको प्रोसेस में जब आप लेट से वहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, आपको तकरीबन 1 साल के करीब कुछ प्रोसेस लेट से टाइम लग जाता है। तो उसमें आपकी ये स्किल आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और भी जितनी स्किल सीख के आ सकते हैं आप सीख के आ जाएं। और यहाँ पे अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की ना, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ वो 50% या हमें भी इससे ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि अक्सर जॉब में ये रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा देयर आर सो मैनी टिप्स एंड, क्योंकि जो एक्सपीरियंस बंदा है, मैं हूँ यहाँ पे 7 साल से, मुझे मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी चीज़ों में, तो मुझे पता है कि किस चीज़ में क्या लूपहोल्स हैं, ये वो सब काफ़ी टिप्स मैं किसी नए आने वाले को प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे टिप्स हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें भी आपको बताऊँगा। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत सारी हैं, लाजमी आए यहाँ पे, मतलब कि फ्यूचर अपना सिक्योर करें। हर चीज़ की यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन के हवाले से, वर्क के हवाले से, ग्रुप बच्चों की ग्रोथ के हवाले से बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। तो लाजमी आए, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।